भोपाल से ही खबर, जहां संसदीय शब्दों की शब्दावली पर सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति जताई है। शब्दावली में बंटाधार को शामिल करने पर रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति जताई है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में आपत्ति जताई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है, बंटाधार शब्द तो दिग्विजय शासनकाल की पहचान है। असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी पर जिस तरह कल एक पुस्तक का विमोचन हुआ, खुद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने एक दिन पहले रविवार को ही पुस्तक का विमोचन किया। इसमें करीब 1500 ऐसे शब्द हैं जो असंसदीय माने जाते हैं, जिन्हें संसद में बोलना या संसद के भीतर विधायकों की तरफ से प्रयोग में लाना उचित नहीं है। और उन्हीं शब्दों में से असंसदीय शब्दों की सूची में एक शब्द बंटाधार भी है, जिस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति जताई है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का 10 साल की मेहनत परिश्रम के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें बंटाधार शब्द से नवाजा था, और इस शब्द को अगर हम छीन लेंगे तो दिग्विजय सिंह सरकार की उपलब्धि खत्म हो जाएगी, फिर मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि बताएगा क्या। और इसलिए मैंने आपत्ति व्यक्त की है कि यह बंटाधार शब्द असंसदीय ना बनाया जाए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुख करेंगे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा का, हमारे साथ जुड़ गए। जुगल, एक दिन पहले ही पुस्तक का विमोचन हुआ, 1500 के करीब इसमें शब्द हैं जो असंसदीय हैं, लेकिन बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा अब इस पर आपत्ति जता रहे हैं, क्या है अपडेट? से एक दिन पहले ही जो गैर संसदीय शब्द हैं उसको एक संकलित किया गया था और उसकी पुस्तक का विमोचन किया गया था। उस वक्त आपने सुना होगा कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधायकों को सीख देते नजर आ रहे थे, लेकिन अगले ही दिन जब सत्र की शुरुआत हुई, सत्र के पहले ही दिन वो सीख बेअसर साबित हो गई। कुछ शब्द जो मुफीद हैं बोलने के लिए, जिस दल को मुफीद होते हैं वो दल उसी शब्द पे आपत्ति ले रहा है। जैसे कि बीजेपी का ये जो नारा था मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के लिए था, तो रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति ली कि इसको गैर संसदीय ना बना जाए, असंसदीय शब्द ना माना जाए, इसको बोलने के लिए छूट दी जाए, यानी आप सदन के अंदर बंटाधार बोल सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस मामू और चड्डी जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की बात कहती है, वो कहती है इसको असंसदीय ना बनाया जाए, ये शब्द आरएसएस से जुड़े हैं इसलिए सरकार जानबूझकर उसको प्रतिबंधित करा रही है। तो निश्चित रूप से देखना ये है कि जो शब्द जिस राजनीतिक दल के लिए दूसरे राजनीतिक दल को चुटकी भरने या फिर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो शब्द चाहते हैं विधायक कि उसको असंसदीय घोषित ना किया जाए, यानी अपनी सुविधा अनुसार वो शब्द चाहते हैं कि जो शब्द वो बोलना चाहते हैं उसमें छूट दे दी जाए, बाकी शब्द को असंसदीय कर दिया जाए। क्या इस पर अब माने हम गिरीश, अभी फिलहाल पत्र लिखा है रामेश्वर शर्मा ने, ऐसी खबर है जुगल? जी हाँ, रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और कहा है कि बंटाधार और नक्सली शब्द को उस पुस्तक से हटा दिया जाए जो पुस्तक असंसदीय शब्दों का संकलन किया गया है जिस पुस्तक में, लेकिन इस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है और संभव है कि इस पर कोई विचार भी संभव है कि नहीं होगा, क्योंकि वो संसदीय जो पुस्तक का विमोचन किया गया है वो गहन अध्ययन के बाद और बेहद विचार विमर्श के बाद किया गया है। 1954 से लेकर अब तक की संसदीय जो कार्रवाई है जिसमें शब्द विलोपित किए गए थे, उन सभी शब्दों को समाहित करके पुस्तक बनाई गई है, तो इसमें संशोधन होने की उम्मीद ना के बराबर है। दीपक, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए जुगल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता जुगल बता रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने, और बीजेपी की तरफ से तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाकायदा एक पत्र भी लिखा है, उन्होंने आपत्ति जताई है। शब्दावली में बंटाधार को शामिल करने पर, पुस्तक में शब्दावली में बंटाधार को शामिल करने पर आपत्ति जताई है।